आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। देश में सामने आए 67,000 नए कोरोना के मरीज, अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की भारत में हो चुकी है कोरोना के कारण मौत। तो भारत में अब तक करीब 24 लाख लोग कोरोना वायरस चपेट में आ चुके हैं। दुनिया में सबसे तेज संक्रमण अपने ही देश में फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्डेड 67,000 नए मरीज भारत में सामने आए हैं और 942 लोगों की भारत में पिछले 24 घंटों में मौत भी दर्ज हुई है। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका और ब्राजील में इन दिनों 54,000-58,000 के लगभग मामले आ रहे हैं। वहीं भारत में इससे पहले 9 अगस्त को रिकॉर्डेड 64,399 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 23,96,737 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 47,033 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 6,53,000 एक्टिव केस है। वहीं जबकि 16,95,000 लोग भारत में ठीक भी हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि भारत में मृत्यु दर और एक्टिव केस इसमें लगातार गिरावट आ रही है। मृत्यु दर गिरकर अब 1.96 हो गई, जबकि इसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या का एक्टिव केस भी 27.27 हो गया। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने वालों की दर भारत में 70% से ऊपर है। वही भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में कोरोना वायरस के लिए जांच की क्षमता को बढ़ाते हुए एक दिन में 7 लाख से अधिक नमूनों की जाँच की गई है। अब तक 2,65,00,000 लोगों से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर नमूने जांच हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि एक दिन में जांच की संख्या लगातार एक दिनों में तेजी से बढ़ रही है। भारत में पिछले कई दिनों से रोजाना 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य से ही। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर दिल्ली का नाम है। वही चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन पांचों राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केस के मामलों में दुनिया में तीसरे स्थान पर भारत है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत में तीसरा भारत का स्थान है। वही अमेरिका ब्राज़ील के बाद भारत का इस महामारी से प्रभावित होने वाले तीसरा भारत सबसे बड़ा देश है। गहलोत सरकार को राहत, 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से फिलहाल इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राजस्थान के कांग्रेस में शामिल हुए राजस्थान के 6 BSP विधायकों की अयोग्यता के मामले को दखल देने से फिलहाल मना किया है। अदालत ने यह कहा है कि हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई निलंबित है। वहीं BJP विधायक मदन दिलावर और BSP ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को लागू कराने को रोक लगाने के अनुरोध दिन में किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल इनकी विलय की मंजूरी दी थी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी है कि ये विलय देश के दलबदर कानून या संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के खिलाफ है। वही विधानसभा अध्यक्ष के वकीलों का कहना है कि याचिका विचार योग्य नहीं है। वही संदीप यादव और वाजिब अली और दीपचंद खोरिया और लखन मीणा, जितेंद्र आवान और राजेंद्र सूद ने 2018 की विधानसभा चुनाव में BSP उम्मीदवार के तौर पर यहां पर जीत हासिल की थी। बाद में पाला बदल कर ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इन विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से अशोक गहलोत सरकार को बहुत मजबूती मिली है और 200 सदस्य वाली विधानसभा पार्टी में भी अब यहाँ की विधायकों की संख्या 107 पहुँच गई है। विधायकों ने पिछले साल 16 सितंबर को कांग्रेस में विलय के लिए याचिका दी थी और 2 दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस आदेश को मंजूरी दे दी है। अब शुक्रवार को विधानसभा सत्र है। BSP विधायकों का कहना है कि वे कांग्रेस के साथ है। इसलिए में साफ है कि सचिन पायलट से सुलह के बाद अब अशोक गहलोत सरकार और अधिक मजबूत हो गई है और अब और मजबूती ये दिखाएगी। आज ही BJP ने कहा है कि वह अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। BJP विधायक दल की हुई बैठक में ये फैसला किया गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बैठक के बाद कहा कि विधानसभा के शुक्रवार को शुरू हो रहे सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। यूपी के 18 जनपदों में साइबर पुलिस स्टेशन खुलेंगे, इसका ऐलान गृह विभाग ने गुरुवार को किया है। अयोध्या, आगरा समेत जिन जिलों में साइबर थाने खुलेंगे उन पुलिस स्टेशनों के CUG नंबर और ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई है। यहां से जुड़े जिलों में होने वाले साइबर क्राइम के मामले में अब उन्हीं थानों में ये मामले दर्ज होंगे। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये थाने यहाँ पर खोले गए हैं। इन थानों में की स्थापना 111 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। साथ ही 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। दरियाल प्रदेश भर में साइबर थानों की स्थापना का प्रस्ताव 26 जून 2019 को पुलिस महानिदेशक ने भेजा था, जिसमें उन्हें तेजी से
बढ़ रहे साइबर अपराधों का जिक्र करते हुए साल 2014 से 2019 के बीच प्रदेश में साइबर अपराधों में हुई बढ़ोतरी का आंकड़ा भी पेश किया गया। जिन जिलों में साइबर थाना खुलने हैं उनकी लिस्ट में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, बरेली, मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, नोएडा, सहारनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल है, जबकि इससे पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर ही साइबर थाने यहाँ पर थे। हालांकि इन दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद खुले साइबर थानों को अधिकतर क्षेत्रों में नए सिरे से निर्धारित किया जाना है, तभी बाकी ऐसी स्थिति नए साइबर थानों की जरूरत महसूस यहां पर की जा रही थी। गृह विभाग के अनुसार नए साइबर थानों के लिए 1717 इंस्पेक्टर और 1717 सब इंस्पेक्टर, 3458 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सहायक टीम के रूप में 93 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, 186 और कांस्टेबल हेड कांस्टेबल यहां पर इन्हें दिए जा रहे हैं। वही योगी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार प्रदेश के अतिरिक्त सुरक्षा और सतर्कता बरतने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। सभी जिलों के पुलिस कप्तान और रेलवे के SP को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। बरियाल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की लगातार साजिश की जा रही है, उसे देखते हुए DGP मुख्यालय ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गाइडलाइन जारी की है। खासतौर पर सभी संवेदनशील जिलों में खुफिया विभाग को हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। कांग्रेस विधायक भवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन हुआ है रद्द। राजस्थान के कांग्रेस विधायक भवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने दोनों विधायकों का निलंबन को वापस लिया है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश में शामिल होने के आरोप में दोनों विधायकों को पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। पिछले 2 दशक का इतिहास देखें तो विश्वेंद्र सिंह और भवरलाल शर्मा का नाता हमेशा विवादों से रहा है। विश्वेंद्र सिंह अब तक 3 और भवरलाल शर्मा 4 बार पार्टियां बदल चुके हैं। भरतपुर के राज परिवार के पूर्व सदस्य विश्वेंद्र सिंह दबंग राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। भरतपुर जिले के मतदाताओं पर उनकी पकड़ भी है, लेकिन उनकी पटरी किसी भी पार्टी के नेताओं के साथ लंबे समय तक नहीं बैठती है। वही विश्वेंद्र सिंह के अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत साल 1988 से की। वह साल 1989 में जनता दल की टिकट पर भरतपुर से सांसद निर्वाचित हुए। उनके बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में रहते हुए वे 2 बार लोकसभा पहुंचे और 2008 में वसुंधरा राजे जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो विश्वेंद्र सिंह को अपना सलाहकार उन्होंने बनाया था। हालांकि वसुंधरा के साथ उनकी लंबे समय तक नहीं बनी और नहीं बैठी और कांग्रेस में वो शामिल हो गए। 2013 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2018 के चुनाव में फिर से वो निर्वाचित होकर अशोक गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री बने। वही मंत्री बनने के बाद से वे सार्वजनिक रूप से विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बयान देने के कारण कई बार वो विवाद में आ चुके हैं। सचिन पायलट से निकटता के चलते सीएम गहलोत को उनके बयानों पर नज़रअंदाज करना पड़ा है। आखिर 10 दिन पहले वे पायलट के साथ बागी हो गए थे। वही दूसरे असंतुष्ट विधायक भवरलाल शर्मा 7 बार विधानसभा पहुंचे हैं। सबसे पहले 1985 में लोकदल के टिकट पर चुनाव जीते थे, जिसके बाद जनता दल में वे शामिल हो गए थे। 1993 में जनता दल में रहते हुए भी हो गए थे। इसके बाद वे भाजपा में शामिल हुए, हालांकि वहाँ ज़्यादा दिन तक वो नहीं बैठ पाए। वही भाजपा के नेतृत्व ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया।